अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2019-20 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में शामिल अनुदानों की मांग पर आज दिनांक 2 मार्च 2020 को सभा के वाद विवाद और सरकार का उत्तर के निमित्त 2 घंटे यानी 120 मिनट उपलब्ध है। मैं कटौती प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य को 15 मिनट तथा सरकार के उत्तर के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित करते हुए शेष 85 मिनट का आवंटन निम्न प्रकार करता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा सदस्य संख्या 29, आवंटित समय 31। भारतीय जनता पार्टी सदस्य संख्या 25, समय 25 मिनट, 25 मिनट समय है, आवंटित समय 27। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस सदस्य संख्या 16, 17 मिनट। झारखंड विकास मोर्चा प्रांतिक 3 मिनट। आजसू पार्टी 2 मिनट। राष्ट्रीय जनता दल सदस्य संख्या 1 मिनट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले सदस्य संख्या 1 मिनट। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1 मिनट। निर्दलीय 2 मिनट। माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी अपना भाषण प्रस्तुत करेंगे। माननीय सदस्य, व्यवस्था पर बोल रहा है, व्यवस्था पर बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था यह है कि पिछली सरकार ने, अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो विधायकों पर मुकदमे दर्ज है उन मुकदमों को एक जगह सेंट्रलाइज करके उसकी सुनवाई की जाए। हमें लगता है इससे विधायकों को अपने क्षेत्र के कामों में भी परेशानी होगा और न्यायालय में उपस्थित होने में भी परेशानी होगा। यहाँ सरकार बैठी है, अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से इतना ही आग्रह होगा कि इस पर पुनर्विचार करें। जिन जिलों से संबंधित मुकदमे हैं अध्यक्ष महोदय, उन मुकदमों को उन्हीं जिलों में रहने दिया जाए, लेकिन अध्यक्ष महोदय, इन मुकदमों को वही रहने दिया जाए। संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह होगा, मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ है, कि इस पर निर्णय ले और उन मुकदमों को जिलों में ही रहने दिया जाए। यही मेरी व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन नेता कुछ बोल रहा है, आप लोग आसन पर जाइए। सदन नेता भी इस पर प्रकाश डाल रहा है, सदन नेता भी प्रकाश डाल रहा है, आप लोग आसन पर जाइए, बैठिए। माननीय सदस्य गण, आसन पर बैठिए, आसन पर बैठिए, आप लोग आसन पर बैठिए। मुख्यमंत्री जी कुछ बोलना चाह रहे, सदन नेता भी कुछ विचार रख रहे हैं, सुनिए तो। बैठिए, माननीय मुख्यमंत्री कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं है तब क्या करिए, सरकार का उत्तर होगा, सब कुछ बोला, इनको बैठाएंगे, बोलना चाह रहे हैं, इनको बैठाएंगे तब ना। माननीय सदन नेता खड़े हैं, आप लोग माननीय सदस्य अपना आसन पर चले जाए, आप लोग अपना आसन पर चले जाए। बिल्कुल, अध्यक्ष महोदय, हम लोग बजट सत्र में अभी चल रहे हैं, आज सत्र का दूसरा दिन है ये। पहले तो मैं, प्रदीप जी ने एक विषय रखा है और इन्होंने लिखित रूप से भी माननीय सभी विधायकों की सोच के साथ हमें अवगत कराया है, मैं उस पर संज्ञान लेता हूं और निश्चित रूप से इस पर सभी चीजों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा। ये हम आश्वस्त करते हैं कि माननीय विधायकों के ऊपर चल रहे केस और माननीय विधायक के साथ साथ उसमें जो शामिल लोग हैं, जो ग्रामीण होंगे, आम समर्थक होंगे,
गवाह होंगे उन सब का भी समस्या हो सकता है, उस पर हम संज्ञान लेते हैं और जल्द ही आपको इस पर अवगत कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय हमारे विपक्ष की ओर से तो विरोध दर्ज कराई जा रही है। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, ये एक असंवैधानिक प्रक्रिया के तहत माननीय हमारे विपक्ष के साथी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये विरोध इनका सरकार के विरुद्ध नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं, ये विरोध सरकार के कार्यों पर, सरकार के विषयों पर इनका कोई सवाल नहीं, ये सवाल सदन पर। अध्यक्ष महोदय, ये सुनिए सुनिए सुनिए, ये सवाल सदन के ऊपर है। अरे सुन तो लीजिए अध्यक्ष महोदय, आप सुन तो लीजिए, ये सदन के अध्यक्ष के विशेष अधिकार का। अरे बात तो सुन लीजिए, और जिस तरीके से अध्यक्ष महोदय बिना तथ्य और बिना प्रमाण के कोई आरोप प्रत्यारोप करना बहुत उचित बात नहीं है। आपके पास अगर कोई तथ्यात्मक प्रमाण है, कोई भी तथ्यात्मक प्रमाण है तो आप पेश कर सकते हैं। कोई तथ्य नहीं है, प्रमाण नहीं है। अपने मन में जो प्रश्न आ रहा है उसी बात को रख रहे माननीय सदस्य, ये ठीक बात नहीं है। माननीय सदस्य विनोद जी कुछ बोल रहा है, विनोद जी कुछ बोल रहा है। अध्यक्ष महोदय, तो ये गलत परिपाटी है। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम, माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी, अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से, आप अपना कटौती प्रस्ताव सरकार को कि अवर बन सेवा के 10 दिन कटौती प्रस्ताव पर अधिकारी भाषण प्रारंभ करें और उनके अनशन से माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी। महोदय सदन अव्यवस्थित है, महोदय सदन को व्यवस्थित किया जाए ताकि मैं अपना कटौती प्रस्ताव के बारे में अपनी बातों को रख सकूं। महोदय सरकार के उत्तर के बाद बोलिए, उनके पास जाएगा प्रभारी मंत्री, वित्त वित्त प्रभारी मंत्री, उनके पास कागज दीजिए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग विधेयक को मैं इसे प्रस्तावित करता हूं। चलिए, हाँ बोल देते हैं। तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की प्रस्तावित सकल राशि ₹1,216.92 करोड़ है। स्थापना व्यय मत से ₹559.42 करोड़, राज स्कीम मत में 224.20 करोड़, ये केंद्रीय सेक्टर स्कीम मत में 12 प्रत्यापन से स्थापना व्यय मत से 41 तो बोलते हैं 0.77 करोड़ रुपये, राज स्कीम मत बहुत है। हाँ, ओके।